क्या यहूदियों के आसमानी सहीफों में वाकई करबला की पेशिंगोई की गई है? अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं देन कीप ऑन वॉचिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम यू ऑल एंड पीस अपॉन ह्यूमैनिटी। माय नेम इज़ डॉक्टर मुजरिम शेद एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। मेरी जानिब से प्यार और मोहब्बत भरा सलाम मेरी तमाम फैमिली के लिए। आप जो भी हैं, आप जहां भी हैं, आप सब मेरी फैमिली हैं। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छा होगा एंड आई जस्ट प्रे कि सब बहुत अच्छा रहे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बताता चलूँ, इस चैनल पर हम इस्लाम का एक मुस्बित पहलू उजागर करते हैं और जदीद साइंसी तहकीकात को कुरान हदीस की रोशनी में पेश करते हैं। तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं देन कंसीडर सब्सक्राइबिंग। तो चलिए, अब बातें बहुत चुकी है, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। जैसा कि आज की वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया होगा, आज हमें इस टॉपिक पे डिस्कशन करना है कि क्या यहूदी आसमानी सहीफों में वाकई करबला की कोई पेशिंगोई मौजूद है। बुक ऑफ जेरेमिया, ये सहीफा अल्लाह के एक नबी जेरेमिया अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ है। जेरेमिया अलैहिस्सलाम को अरबी जबान में इर्मिया कहा जाता है। इनकी विलादत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 600 बरस पहले हुई। बुक ऑफ जेरेमिया को यहूदी अपनी 24 मुकद्दस किताबों में से एक मानते हैं और क्रिश्चियन भी इसे अपनी 46 मुकद्दस सहीफों में से एक मानते हैं। बुक ऑफ जेरेमिया की एक बहुत अहम सूरत है जो कि चैप्टर 46 है। इस सूरत में हजरत इर्मिया अलैहिस्सलाम की जुबान से सादिर होने वाली अहम पेशगोइयां मौजूद हैं। चुनाचा बुक ऑफ जेरेमिया की सूरत नंबर 46 की आयत नंबर 10 में जेरेमिया अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, पर वो दिन अल्लाह का होगा, वो दिन अल्लाह बुजुर्ग को बरतर के दुश्मनों से बदले का दिन होगा। तलवार इतनों को कत्ल करेगी कि वो खून से सैराब हो जाएगी। इस दिन दरिया फुरात से शुमाल में मौजूद एक इलाके में अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के लिए कुर्बानी दी जाएगी। अगर हम इस आयत पर गौर करें तो हमें पता चलता है कि दरिया फुरात से शुमाल यानी कि नॉर्थ में करबला वाक़े है। अब जब हम वाक़े करबला को नजर में रखते हुए इस आयत का मुताला करते हैं तो हमें ये समझ आता है कि 10 मुहर्रम का दिन अल्लाह का दिन था। इस दिन अल्लाह के दुश्मनों यानी यजीदी फौजियों से बदला लिया गया कि उनके कई हजार फौजी मार दिए गए और दरियाए फुरात से शुमाल की जानिब मौजूद इलाके यानी के करबला में अल्लाह की रजा की खातिर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी और अपनी औलाद की जानों का नजराना पेश किया। तो देखा आपने कि वाकई करबला से हजार साल पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने आसमानी सहीफों में वाकई करबला और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सदाकत का जिक्र किया है। इसी के साथ इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से आगाह कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। और जाते जाते एक छोटी सी बात याद दिलाता चलूँ, ज़िंदगी में कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, कितने ही मसाइल क्यों ना हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत पर हमेशा तवक्कल करते रहिए और मुस्कुराते रहिए। सुन्नत भी है और सदका जारी है। एंड गेस व्हाट, यू लुक गुड टू। दिस इज़ मी डॉक्टर मुजरिम शेद साइनिंग ऑफ। अस्सलामु अलैकुम यू ऑल एंड पीस अपॉन ह्यूमैनिटी।